Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this we will talk about University of Nottingham. And you can download our app which is available in the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free content and a lot of free web test series as well on the website and the app. And if you are confused ki aapko bahar jaake kaun sa course karna chahiye, kaun si country mein jana chahiye aur aapko jana chahiye nahi jana chahiye, then this is a course for you. Link is in description. So let's start. सबसे पहले बात करेंगे ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है. सो दिस इज द यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है. 1881 में स्टार्ट हो गई थी और रसल ग्रुप का पार्ट भी है, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है. दूसरी चीज़, इसकी रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगी टॉप 100 के आसपास सभी रैंक्स में मिल जाएगी. अगर इसकी क्यूएस की रैंकिंग हम देखें करंटली, तो इट इज़ समवेयर अराउंड एमबी के डोमेन्स में बात करता हूँ. हमेशा मैं जो रैंकिंग खुद से बोलूंगा वो हमेशा एमबी को लेकर होंगी, एमबी स्पेसिफिक. तो दैट इज समवेयर अराउंड 130 टू 140 के बीच में आती है. और टू बी ऑनेस्ट 200 की रैंकिंग तक के सारे कॉलेजेस अच्छे ही हैं, क्योंकि वहां तक तो हमारे बहुत सारे इंडियन के टॉप कॉलेजेस भी नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक. तो भी बहुत लंबी जर्नी है इंडियन के लिए. एमबीए का अगर ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर आपको एमबीए के साथ साथ स्पेशली इनको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट और सैप का भी अलॉन्ग साइड कोर्सेज कर सकते हैं. वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है यहाँ पे करने का एमबीए. ठीक है, वही 12 महीने का है. ठीक है, टॉप 60 वर्ल्ड वाइड इनकी खुद की रैंकिंग उन्होंने दी हुई है यहाँ पर इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जो यूके के अंदर इनकी रैंकिंग है. ऑलराइट, एंड सबसे मेन पॉइंट जो इनका है कि वो ये एक्स्ट्रा जो कोर्सेज देते हैं डिजिटल वाले माइक्रोसॉफ्ट और सैप के, वो दैट इज अ प्लस पॉइंट अगर आप यहाँ से एमबीए करेंगे तो. और ट्रिपल एक्रेडिटेड है तो वो तो प्लस पॉइंट है. वो मेजरली सारी की सारी अगर आपने देखी बहुत सारी वीडियोस में बनाई है, सभी के सब ट्रिपल क्राउन होते हैं, तो इसमें कुछ वाओ फैक्टर तो नहीं है वैसे. ऑलराइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास सिंपल लिखा हुआ है एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर आपके 50-60 से प्लस ही होने चाहिए. मैं 60 प्लस ही कहूँगा, 60 प्लस हो अगर आपके पास ग्रेजुएशन हो चुकी है. और अगर आपको एमबीए करना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके, ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. दैट इज द मैंडेटरी थिंग. ऑलराइट, एटलीस्ट 3 होना चाहिए और 5 तक होना चाहिए. बट मैं कहूंगा कि अगर आपके पास 3 से ज्यादा हो तभी आप अप्लाई करें, 3 से कम तो बिल्कुल ना करें. रिजेक्शन आ ही मतलब रिजेक्शन आएगा ही आएगा, गारंटी है. और 3 से प्लस हो जाए तो बेस्ट है. ठीक है, बट 3 से प्लस 5 के बीच में अगर है तो जरूर से कर सकते हैं. आईएलटीएस का आपको एग्जाम देना ही होगा और 7 के आसपास ही बैंड मांगते हैं. फीस अगर आप देखेंगे तो इसकी जो फुल टाइम फीस है फॉर एमबीए दैट इज 28 लाख के आसपास रहेगी. एंड एमबीए की बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है. एग्जैक्टली अमाउंट वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, पर बहुत सारी है, आप उसमें से कोई ना कोई तो ग्रैब कर ही लोगे. करियर के इंपैक्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन से इनके जो स्टूडेंट्स हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ एक्सेंचर, एप्पल, बॉश, क्रेडिट, डेलॉइट, ईवाई एंड मेनी मोर. ऑलराइट, यहाँ की अगर एवरेज सैलरी की बात करूँ तो वही आपकी 60-70 लाख के आसपास आएगी. 28 के आप लगाओगे फीस और 60-70 आप अर्न कर सकते हो. एमआईएम की अगर हम बात करें तो एमआईएम के अंदर इनके पास काफी सारी चीजें और भी आ जाती हैं. ऑलराइट, जैसे कि इन्होंने लेवल 7 का डिप्लोमा आपको कोर्स दे देते हैं जो कि सीएमआई का है, क्योंकि वहां से एक्रेडिटेड है इनका एमआईएम कोर्स. तो ये इनके पास ये प्लस पॉइंट्स हैं जो कि अगर आपने देखा हो प्रीवियस मैंने जो अब्रॉड वीडियोस बनाई उनके अंदर उनके पास नहीं है मेजरली. ओके, एंड वही इन्होंने सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे भी, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोबारा से. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें एमआईएम के लिए, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. ठीक है, जो कि आपकी किसी भी डिसिप्लिन में हो एक्सक्लूडिंग बिजनेस और मैनेजमेंट. ठीक है, तो किसी भी डोमेन की होगी चलेगा, देयर इज नो इशू. 60% से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग. ऑलराइट, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा. ऑलराइट, एंड आईएलटीएस का एग्जाम आपको देना होगा, 6.5 इज द मैंडेटरी. देन फीस अगर आप देखेंगे तो एमआईएम की वो थोड़ी कम होती है एमबीए से, दैट इज समवेयर अराउंड 24-25 लाख. यहाँ से पढ़ने के बाद एमआईएम के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी ऑफ 40 लाख के आसपास. एंड वी आर स्टार्टिंग द जीमैट बैच इन जुलाई. इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. जीमैट का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं. साल में हम बहुत ही कम बैचेस निकालते हैं, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे कि जो पूछे थे जीमैट का बैच कब निकलेगा, जीमैट का बैच कब निकलेगा. तो जुलाई में हम स्टार्ट कर रहे हैं. इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच जस्ट व्हाट्सएप दिस ऑन दिस नंबर और कॉल ऑन दिस नंबर एंड आप एनरोल कर सकते हैं आप, और आपको साइड वो दे ही देंगे. ठीक है जी, एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से अगर कोई भी पूछना चाहो क्वेरी तो वहां पे आप पूछ सकते हो. एंड हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट नाउ बिलो इफ यू हैव एनी सजेशन और क्वेरी. थैंक यू मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड.